तो भाई साहब यहाँ पर हमारे बनने जा रहे हैं मूंग के लड्डू, जिसे हम राम लड्डू कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक भैया जी मिले हैं जिनका अभी हम इंट्रो करने जा रहे हैं। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? नीरेश। नीरेश, अच्छा कहाँ से आप? यूपी से। अच्छा कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? यहाँ पर आते हुए 3 साल हो गए। अच्छा टाइमिंग क्या है अपनी यहाँ पे? यहाँ पर टाइमिंग है अपनी 3 बजे से 10 बजे। ओके, तो यहाँ पर ये डाल दी है भाई साहब ने अजवाइन। ओके, और ये आ गया हमारा नमक। तो भैया अभी ये रेडी है अपना? ओके, अभी हम इसे फ्राई करेंगे और लड्डू बनाएंगे। ओके, और इधर तेल बिल्कुल हॉट कर लिया है, गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। ओके, लो जी यहाँ पर अभी फ्राई होने शुरू हो गए हैं हमारे राम लड्डू। भैया जी कितने की प्लेट है? 50 रुपये। 50 रुपये की प्लेट, और कितने पीस आएंगे? 8 पीस। 8 पीस आएंगे मूली चटनी के साथ। मूली चटनी के साथ, ठीक है जी। तो लो जी दोबारा क्रंची करने के लिए इसे फिर से हम फ्राई कर रहे हैं। इतना ही तेल डालते हैं, इतना लग डालते हैं। अच्छा, तो भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फ्राई के लिए तेल यूज किया जाता है वो डेली नया इस्तेमाल करते हैं, और तेल देखने से ही पता चल रहा है कि नया तेल है जो अभी इस समय ये यूज कर रहे हैं। तो ये आ गई अपनी यहाँ पर मूली, और क्या कहे, धनिया और मूली है। मूली ओके, ये मीठी वाली है। अच्छा, कुड़की चटनी, और ये वाली? ये हरी है, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना पालक की चटनी, ठीक है। ओके, सारा कुछ मिक्स है। और ये वाली? ये वाली गुड़ की है, गुड़ की चटनी। ओके, चाट मसाला, ये आ गया चाट मसाला है। मूंग की दाल के राम लड्डू।